भारत में जुगाड़ों और जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर बाइक में सीएनजी लगाने वालों, छत पर सोलर पैनल लगाने वालों और कई तरह की टेक्नोलॉजी को वाहनों में इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। कुछ होगा ही ट्विटर पर वायरल हो रही एक वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो के मुताबिक एक शख्स ने कबाड़ की जीप को ठीक करके एक इलेक्ट्रिक जीप बना दिया है। तमिलनाडु के कीझाड़ी गांव के रहने वाले गौतम ने ट्विटर पर अपनी इलेक्ट्रिक जीप का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कैप्शन देते हुए लिखा कि कृपया मुझे नौकरी ऑफर करें सर। गौतम ने कबाड़ की जीप को एक इलेक्ट्रिक जीप में तब्दील करके ये दिखा दिया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोने कोने में लोग कुछ न कुछ नया करके दिखा रहे हैं और नई एनर्जी पर फोकस होकर काम कर रहे हैं। देश और दुनिया में इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, मौजूदा ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप तक इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं ऐसे में भारत के किसी कोने से ऐसी वीडियो वायरल से यह पता चलता है कि देश के नागरिक भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं। आनंद महिंद्रा उस युवक के इनोवेशन से काफी प्रभावित हुए और ट्वीट करके कहा कि मुझे भरोसा है कि भारत ईवी के मामले में सबसे आगे होगा। मेरा मानना कि कारों और टेक्नोलॉजी के लिए लोगों के जुनून और गराज टिंकरिंग के जरिए अमेरिका। ट्विटर पर गौतम द्वारा पोस्ट किए गए 45 सेकंड के वीडियो को 3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को लगभग 3000 लोगों ने लाइक किया है और 300 से अधिक रीट्वीट किया गया है। वहीं यूजर्स वीडियो पर कमेंट करते हुए गौतम की सराहना कर रहे हैं। ने ऑटो में खुद को आगे किया, गौतम और उनकी जनजाति आगे बढ़ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के चीफ आर वेलुसामी को गौतम से संपर्क करने के लिए कहा। तो दोस्तों, आपको गौतम का ये आविष्कार कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।